इस 2020 में एक बार फिर से हम लोगों को कोरोना से खतरनाक चीज देखने को मिलने वाली है। अब मैं जब वरुण धवन के बारे में बोलूंगा तो वरुण धवन के फैन बोलेंगे कि भाई ये तू ज्यादा बात नहीं कर रहा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि ऊंचा मकान फीका पकवान। इस मूवी में गाइस कुछ हम लोगों को इसी तरीके की ही चीज देखने को मिलने वाली है। गोविंदा सर के रास्ते पर तो ये खड़ा है, लेकिन क्या ये सही से चल पाएगा बिना डगमगाए? अभी मेरी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, आगे चलकर आप लोगों को मेरी बातें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं एक ऐसे विचित्र प्राणी की ट्रेलर की रिव्यू जिसका नाम है कूली नंबर वन। इस मूवी में आप लोगों को प्रेस रावल, राजपाल यादव, वरुण धवन एंड द लास्ट इज सारा अली खान देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को 25 दिसंबर को रिलीज की जा रही है अमेजोन प्राइम पर, मतलब क्रिसमस बर्बाद। मूवी आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी यहीं पर बता देता हूँ कि मूवी की स्टोरी क्या है। और मूवी में सारा अली खान के पापा बने हैं प्रेस रावल और वो एक बहुत ही रिच पर्सन है। और वरुण धवन इस मूवी में है कूली और वो सारा अली खान से प्यार करने लगते हैं और सारा अली खान भी प्यार करने लगती है। वरुण धवन को पता है कि किसी भी बेटी का अमीर बाप कूली से शादी नहीं करवाना चाहेगा अपनी बेटी की, इसलिए वरुण धवन अमीर बनने का ढोंग कर रहे हैं प्रेस रावल के सामने। वरुण धवन अपने आप को प्रेस रावल के सामने ऐसा दिखा रहे हैं कि मानो उनका कोई डबल रोल हो। और प्रेस रावल को ये भी बता रहे हैं कि मेरा कोई हमशक्ल है जो कूली का काम करता है। और बीच बीच में इन्होंने एक्शन सीन इसलिए डाला है ताकि बच्चे देख कर बहले और फुसले, स्टोरी की लाइन क्या है पता ही ना चले। अगर आप लोग कहो तो मैं यहीं पर इसकी एंडिंग स्टोरी भी बता दूंगा कि क्या है। बोलो बता दूं? तो चलो बता ही देता हूँ कि इसकी एंडिंग स्टोरी क्या होने वाली है। मैं लिख कर देता हूँ, एंडिंग ऐसे ही होगी। प्रेस रावल के सामने वरुण धवन गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे कि मेरा प्यार मुझे दे दो, प्यार के सामने कोई भी पैसा नहीं चलता। प्रेस रावल के सामने ये रोएंगे और इनकी बेटी भी रोएगी और कहेगी कि मैं पापा इसी के साथ जाने वाली हूँ। और फिर लास्ट में इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी और प्रेस रावल भी मान जाएंगे। चलो यहाँ तक तो कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, लेकिन गोविंदा सर की मूवी तो वरुण धवन को मिल गई, लेकिन उस तरह की एक्सप्रेशन, एक्शन और एक्टिंग सीन कहाँ से लाओगे? जिस तरह का मूवी का नाम है उसी तरीके का ट्रेलर हम लोगों को अभी तक देखने को नहीं मिला। जिस तरह की मूवी की स्टोरी है उसी तरह की ही मूवी की स्टोरी बहुत सारी बन चुकी है। कुछ नया लाओ तभी मजा आएगा देखने में। अगर गाइस आप लोगों को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लोग तुरंत जाकर मेरी वीडियो को डिसलाइक कर दो। बस मूवी के दो रुख होने वाले हैं, चाहे तो ये हिट हो जाएगी या फिर मुंह के बल धड़ाम से फ्लॉप करेगी। अब सारा दामोदार आप लोगों में है कि इस मूवी को आप लोग किस मुकाम तक पहुंचाते हो। गाइस मैं एक बात मैं कह दे रहा हूं आप लोगों से कि अगर ये मुझे फ्री में मूवी मिलेगी तो ही मैं इस मूवी की रिव्यू करूंगा, अदरवाइज अपना MB और सब्सक्रिप्शन नहीं बर्बाद करूंगा। इस मूवी की मेरी प्रेडिक्ट की हुई एंडिंग स्टोरी आप लोग ध्यान में रखना मूवी देखते समय, यकीनन कुछ इसी तरीके की स्टोरी होने वाली है। देखते हैं कि ये मूवी कितना ज्यादा कमा पाती है और फ्लॉप करती है या फिर हिट। गाइस ये थी हमारी कूली नंबर वन मूवी की रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने भाई के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।